और गाइज तो फाइनली WWE के मनी इन द बैंक का फॉलआउट मंडे नाइट रॉ ओवर हो चुका है। और गाइज आज WWE के मनी इन द बैंक के फॉलआउट मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर हमें WWE के वर्ल्ड चैंपियन सेट फ्रिकिंग रॉलिंस देखने को मिले, जहां पर रॉ के ओपनिंग के ऊपर सेट रॉलिंस मनी इन द बैंक पर फिन बैलर को बीट करने को लेकर बात करते गए। और गाइज इसके साथ साथ रॉ पर सेट रॉलिंस के इस प्रोमो के अंदर सेट रॉलिंस जे उसो के रोमन रेंस को बीट करने को लेकर बात करते गए। और गाइज इसके बाद सेट रॉलिंस ये कहते गए कि अब WWE अगला पेपर व्यू समर स्लैम है, जहां पर सेट रॉलिंस उनके चैलेंजर को फेस करेंगे। और गाइस तभी यहां पर अरीना के अंदर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का म्यूजिक प्ले होता है, जिसके बाद के मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर ही कोडी रोड्स रिंग में आकर सेट रॉलिंस को कन्फ्रंट करते गए। बट गाइस यहां पर इन दोनों के बीच में कुछ भी होता उससे पहले ही अरीना के अंदर ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक प्ले हो जाता है। और गाइस रॉ के ओपनिंग के ऊपर ही ब्रॉक लेसनर उनका रिटर्न करते हुए कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते गए, जिसके बाद के आज मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर हमें ब्रॉक और कोडी के बीच में जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिलता है। बट गाइज इस ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर ब्रॉक लेसनर आज कोडी रोड्स के द्वारा पिट जाते गए, क्योंकि गाइज ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर कोडी रोड्स ब्रॉक के ऊपर कोडी कटर हिट कर देते गए, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर रिंग में डाउन हो जाते गए। और गाइज मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर ब्रॉक लेसनर के कोडी पर अटैक करने के बाद कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को करारा जवाब दे दिया है।